एसआरआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेजतर्रार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ था। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब काफी मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल द्वारका की एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो दिल्ली में लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। इस गिरोह के पास से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 13 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 13 करोड़ रुपए का है, इसके साथ 4 किलो 500 ग्राम केमिकल और इंस्ट्रूमेंट भी पकड़े हैं जो ये लोग मिलाते थे हीरोइन में ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। और जो एक प्योर हीरोइन लेने से जो घाटे होते हैं उससे ज्यादा ये घाटा करेगी क्योंकि इसमें मिलावट भी होती है। तो टोटल 5 केजी 800 ग्राम हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्योर हीरोइन जो है वो 1 किलो 300 ग्राम है। इसकी वर्थ इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में 13 करोड़ रुपए हैं। इस सूचना को मैंने बहुत क्लियर दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हमारा जो कदम है, ये जितने इलीगल फॉरेन नेशनल्स हैं इनके खिलाफ हम कानून संगत, नियति संगत और न्याय संगत कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई ठोस होगी। और इसी दिशा में ये कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छा काम किया है एंटी नारकोटिक सेल ने। खबर ये मिली थी कि 3 लोग हैं जो इंडिया में प्रॉपर चैनल से, जो इनका वीज़ा लगा के आते हैं वैसे नहीं आए थे, ये बांग्लादेश के रूट से इलीगली घुसे और उसके बाद यहाँ पे द्वारका ज़िले में ये मोहन गार्डन के इलाके में बदल बदल के मकान रह रहे थे। इसमें से ये 3 लोग हैं, पीटर नाम, पूरा नाम है हेनरी ओकिली कुचुकू पीटर एक पानोजो स्टैनले चिमेजे एलासोनी है। तो आपके सुविधा के लिए बता दूँ, या इनको जहाँ इंटरसेप्ट करना था हमने एनडीपीएस की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एसीपी छावला मनोज कुमार मीना के प्रेजेंस में एज पर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने ये कॉन्ट्रैबैंड आइटम इनसे सीज किया, इन तीनों को अरेस्ट किया। हेनरी की बता दूं कि एक नाइजीरिया का रहने वाला है, इसकी उम्र 41 साल है। पीटर भी नाइजीरिया का रहने वाला है, इसकी उम्र भी 37 साल है। और स्टैनले भी नाइजीरिया का रहने वाला है, इसकी उम्र 41 साल है। इन तीनों में जो मास्टरमाइंड था ये स्टैनले था और इसमें एक हमारा केस वर्कआउट भी हुआ है और ये एक गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे जो कि पूरे इलाके में यहाँ से लेके अलग अलग, मेन जो फोकस था इनका उत्तम नगर, मोहन गार्डन, वेस्ट दिल्ली। लेकिन अभी तफ्तीश जारी है कि कहाँ कहाँ, किन क्लब्स में, कौन से हाई सोसाइटी पार्टीज़ में इनका ये जो हीरोइन है ये जा रहा था, तो उस पर तफ्तीश जारी है। देखते हैं उसमें और काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत बड़ी पकड़ है और मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी टीम को, दे हैव डन अ वेरी गुड वर्क। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी धरपकड़ और ये जो ड्राइव है इलीगल फॉरेन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल स्टेइंग इलीगली बट डूइंग इलीगल वर्क्स इन इंडिया, एटलीस्ट द्वारका डिस्ट्रिक्ट में माननीय सीपी साहब ने जैसे आदेश दिए हैं कि ठोस और सख्त कदम लिए जाएं, वैसे ही ठोस और सख्त कदम लिए जा रहे हैं इस जिले में। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रिजल्ट्स दिखें और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारी खबरें शायद आप ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे लेते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेजतर्रार न्यूज़, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हम द्वारका में डीसीपी शंकर चौधरी जी के ऑफिस में आए, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें एक बड़ा खुलासा ये था कि द्वारका के एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने 3 नाइजीरियंस को पकड़ा है जो कि ड्रग्स बेचते थे, आगे ड्रग्स का काम करते थे। और वो बताया जा रहा है कि जो पूरा सामान जो पकड़ा गया है वो कुल 13 करोड़ की उसकी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स है वो हीरोइन है वो पकड़ी गई है और डीसीपी का ये भी कहना है कि वो आगे भी इन सब ड्रग्स के पूरे बड़ी पार्टीज़ में जहाँ पे बिकते हैं उन सब का भी वो भंडाफोड़ करेंगे और इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रहेगा। उनका कहना है कि द्वारका ज़िला की अब तक ये सबसे बड़ी कामयाबी है और ये सबसे बड़ा इन्होंने ड्रग रैकेट पकड़ा है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो
देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। अभी तीन इन्होंने नाइजीरियंस पकड़े हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल मित्तल, तेजतर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।